था कि अपना ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, लगभग भाई एक महीने के बाद आ रहा है, क्योंकि भाई इधर मेरा अपना सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। सेमेस्टर तो खत्म हो गया था, फिर भी एक महीने से हम अपने कमरे में बंद थे। बंद इसलिए थे भाई, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में आ गया था, कुछ दिक्कतें चल रही थी जिंदगी में हमारी। तो फिलहाल अभी क्या है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। तो फिलहाल अभी चलते हैं भाई लखनऊ में। शाम को बहुत दिनों से अपना कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो चलते हैं लखनऊ में भाई। हम लोग के साइड एक इंदिरा डैम करके है, वहाँ पे भाई शाम को बैठने में जो सुकून मिलता है, बहुत सन्नाटा एरिया भाई, वहाँ पे शाम को बैठो भाई एकदम दिल हल्का हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं, अपने फ्रेंड को उठाते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं जो भी सीन होगा आप लोग को पूरा दिखाएंगे। फिलहाल गाइस हम अपने फ्रेंड के घर आ चुके हैं। क्या है कि मेरा मेरा जो फ्रेंड है मेरे घर के पास में ही रहता है, तो फिलहाल अब उसको लेते हैं, फिर अपने लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं जो भी सीन होगा आप लोग को पूरा दिखाएंगे। बस आप लोग पूरे वीडियो में बने रहे, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मजा आने वाला है। तो फाइनली गाइस हमने अपने फ्रेंड को यहाँ से पिकअप कर लिया है। क्या था कि भाई ये भी लगभग अभी कॉलेज एक महीने से बंद चल रहा था, तो ये भी अपने घर नहीं गया है, तो यह यहीं पे रुका हुआ था। तो एक महीने से भाई बहुत बोर हो रहा था घर में कि कहीं चलते हैं कहीं चलते हैं, पर क्या था कि मेरा कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता था। फिलहाल अब थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो फिलहाल आज चलते हैं, देखते हैं जो भी सीन होगा आप लोग को पूरा सीन दिखाते हैं। फिलहाल गाइस अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, और भाई आप लोग एक चीज़ बता दें कि क्या है कि जब यूट्यूब से आने से पहले ही हमने बहुत कुछ सोचा था कि आप लोग के लिए यहाँ पे ट्रिप करेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ हर जगह से ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे अच्छे जगह जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे और आप लोग से वो चीज़ें शेयर करेंगे। पर क्या है भाई कि अभी यूट्यूब से भी उतना अर्निंग नहीं आ रहा है, थोड़ा मोड़ा पैसे सेविंग करते हैं तो इधर उधर जा पाते हैं। और आप लोग भाई सोच ही सकते हैं कि कहीं भी जाने से पहले इंसान क्यों रुक जाता है, क्योंकि भाई सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है। अब वो चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल हम लोग नहीं जा पाते हैं, फिर भी अब कोशिश कर रहे हैं एक दो जगह जाने की। तो गाइस आप लोग को एक और बात बतानी थी, क्या है कि अगर कोई भाई लोग लखनऊ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी उनको भी राइडिंग वाइडिंग का शौक है, घूमने टहलने का शौक है, तो भाई मेरे चैनल पे जाके चैनल को ज्वाइन करें या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम उनको अपने टीम में ज्वाइन करेंगे और कहीं भी ट्रिप जाएंगे तो वो लोग को ज़रूर इन्वाइट करेंगे। फिलहाल क्या है कि आप लोग को बता दूँ कि बहुत जल्दी हम लोग का ट्रिप आने वाला है, एक दो जगह जाने का हम लोग ने सोचा है। तो अगर भाई लोग आप लोग लखनऊ से देख रहे हैं तो हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। फिलहाल गाइस रास्ते में ही एक ये छोटा डैम पड़ता है, तो फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और भाई यहाँ का आप लोग एक बार लोकेशन चेक कर लीजिए, क्या गजब व्यू आ रहे हैं भाई। और यहाँ पे क्या है कि जो मैं अपने फ्रेंड को लाया, ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम भाई जुनेद नाम है, हमारे साथ पड़ता है भाई, ये भी बहुत दिनों से घर पे बोर हो रहा था। तो भाई आप लोग इधर जरा लोकेशन चेक कर लीजिए भाई, कैसा लग रहा है व्यू, एकदम व्यू भाई यहाँ पे तगड़ा आता है, एकदम सुकून मिल जाता है यहाँ पे आके। तो गाइस यहाँ पे भी क्या है कि थोड़ी देर हम लोग रुके हुए थे, बड़े डैम के साइड चलते हैं, वहाँ पे भाई इससे ज़्यादा भी अच्छा नज़ारा वहाँ का है। अब वहाँ पे आप लोग का भी एक बार चल के सीन चेक करते हैं, देखते हैं क्या है भाई। वहाँ पे भी लोग आते हैं, थोड़ा सन्नाटा एरिया है, सन्नाटा है क्योंकि भाई थोड़ा आउटर में पड़ जाता है, इसी वजह से। अब वहाँ चलते हैं, वहाँ का भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे भाई इससे बड़ा डैम है, ये तो छोटा डैम था, जो इसके आगे वो बड़ा डैम है। तो गाइस हम बड़े डैम पे आ चुके हैं, बड़े डैम का यहाँ से स्टार्टिंग है। और क्या है कि अभी गाड़ी जुनेद बाबू चला रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा मोड़ा भाई इधर का सीन कैप्चर करना था, तो वही वीडियो बनाने के लिए मैं पीछे बैठ गया हूँ। भाई जुनेद गाड़ी चला रहा है, अभी देख लीजिए यहाँ से बड़े डैम की स्टार्टिंग है। फिलहाल थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं, अभी जहाँ पर हमें आना था डैम पर हम आ चुके हैं। और आप चारों तरफ का व्यू देख लीजिए कितना तगड़ा इधर का, यहाँ पर भाई आने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है। और एक तो भाई शाम के टाइम ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। तो गाइस अभी और आगे चलते हैं, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे सीन दिखाई देंगे। ये तो क्या है कि अभी स्टार्टिंग था, थोड़ा और आगे चलते हैं वहाँ पे और तगड़े व्यूज आप लोग को देखने को मिलेगा। वहीं पे सभी लोग वहीं पे जाते हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है इधर।
तो गाइस हमें यहीं पे आना था, हम इसी लोकेशन की बात कर रहे थे। भाई आप पूरा चेक कर लीजिए कितना ज़्यादा यहाँ से अच्छा लग रहा है, और सामने अपने सूरज देवता निकले हुए हैं भाई, एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। और भाई बहुत कम लोग हैं, शोर शराबा कम है यहाँ पे, थोड़ा आने के बाद भाई शांति मिलता है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। और सबने सामने जुन्नू बबुआ बैठे हुए हैं, ये भी घर में काफ़ी दिनों से बोर चल रहे थे, अब यहाँ पर इनका कुछ और चक्कर है मसला आए हुए हैं थोड़ा। भाई ये भी शांत जगह ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से घर में अकेले बैठा ये भी था। तो फिलहाल आप लोग पूरा व्यू चेक कर लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल गाइस अब अंधेरा हो चुका है और सूरज देवता भी ढल चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या है कि अब लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें भी अब घर के तरफ निकलना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक है, अब आप लोग को मिलते हैं सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में।